कौन क्या कह रहा है, किसका आकलन क्या है, कौन समीकरण पे जा रहा है, सुदेश मातो इसका इंतजार नहीं करता है। समीकरण तो यही है कि मेरी जनता भूखी है और हमें अपनी राजनीतिक जुगत से उसके पेट पालना होगा। मेरी महिलाएं अशिक्षित है, मेरे अपनी राजनीतिक जुगत से उसे शिक्षित करना होगा। मेरा प्रदेश पिछड़ा है, कई मामलों में हमें भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश में हमारा नाम लिखाना होगा इस मां माटी की लड़ाई के साथ। लड़ाई मां और माटी का है। मां और माटी की इस लड़ाई में अपने आप को तैयार रखो। मां और माटी ये झारखंड, मां माटी के इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लो। तैयारी के साथ जाओ, ये तय करो कि आंकड़ों को झुठला देंगे और वक्त नहीं लगाएंगे। और कुछ लोग सुर्खियों में रहने के लिए कोई भी बात करें, लेकिन मैं यथार्थ के साथ जीता हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं, चर्चाएं कभी महिलाओं को लेकर अगर होता है तो सबसे ऊपर मुकाम पर होता है। हम चर्चा करते हैं शीर्ष में स्थापित लोगों का, हम चर्चा करते हैं शीर्ष के वातावरण का, अमेरिका के वातावरण का, इंग्लैंड के वातावरण के साथ तुलना करते हैं, हम केरल के वातावरण और हरियाणा और गुजरात के वातावरण के साथ तुलना करते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष के उन सभी रहनुमाओं को कि झारखंड अपने आप में एक भारत है, झारखंड अपने आप में एक भारत है और इस भारत को समेट के चलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और झारखंड को कोई ऊपर से नहीं समझ सकता, उसके लिए जंगल में एड़ियां घिसानी पड़ेगी, तब जाके कोई झारखंड को समझेगा, नहीं तो झारखंड को समझ नहीं सकता। कोई कहीं बैठकर अगर सेमिनारों से बात को ऊंचाई की अगर कामना करता है तो 64 साल निकल गए मित्र, 64 साल हमने निकाल दिया इन्हीं बातों को लेकर। क्या नहीं हुआ इस देश में? हमने महामहिम के पद में महिला, इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में महिला, ये दो शीर्ष पद के अलावे अन्य सभी पदों में महिलाएं आई, लेकिन क्या काम पर्याप्त है कि केवल कोटा को पूरा करने से चीजें खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। गांव और शहर में बहुत बड़ा अभी भी अंतर है और कहीं पर बैठ के मूल्यांकन करना वो यथार्थ को जानने में बहुत बड़ा एक खाई है। इस खाई को पाटने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और मैंने कहा है कि ऊपर से झारखंड को कोई नहीं समझ सकता है, इसके लिए सबको जमीन पे उतरना होगा। चप्पल घिसेगा, जूता घिसेगा, चौपाल में बैठेंगे, तब जाके झारखंड को उस हालात में हम लाएंगे। कोई भी पार्लियामेंट मेंबर से किसका भेंट होता है? एक पार्लियामेंट मेंबर असेंबली मेंबर से कितना बार पब्लिक मिल सकता है? उनकी उनका काम दूसरा है। पार्लियामेंट मेंबर दिल्ली में रहते हैं, देश का कानून बनाते हैं, असेंबली मेंबर सदन में रहते हैं और राज्य का कानून बनाने का काम और दायित्व तो उनका बड़ा है। बावजूद इसके नित्यदिन कोई कार्यकर्ता से मिल नहीं सकता है, कोई मंत्री रोज नहीं मिल सकता है, लेकिन एक वार्ड मेंबर रोज मिल सकता है। तो जो रोज मिल सकता है, मुखिया रोज मिल सकता है, तो उसके हाथ में ताकत दो ताकि वो न्याय कर सके, ताकि वो वहां के लोगों के हित में पहल कर सके। आपने उनको रोका है, आपने उनको रोककर अपना विकास रोका है। कभी कभी लोगों को लगता है कि अधिकार नहीं देंगे। हमने कई बार सत्ता के इस पक्ष में मैंने खड़ा होकर बोला है कि भाई अगर वास्तव में सत्ता का केंद्र और विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, महात्मा गांधी बिरसा भगवान के इन सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं, तो पंचायत को और ग्राम सभा को मजबूत करना होगा। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।